हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। इस बहुत समय बाद आप सभी लोगों से मुलाकात हुई है और मेरे चैनल आरएमएस ऑनलाइन एजुकेशन पर अभी तक सब्सक्राइब के रूप में बने रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं इस चैनल को, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपने चैनल को शुरू करिए, तो मैं इस चैनल को शुरू करने जा रहा हूँ आज से। और सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ, उसमें जो पहला चैप्टर होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा, क्योंकि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस बार मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लेके चलूंगा, ठीक है। तो इस बार देखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग क्या प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें एक चीज ये है, ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पर, मींस समकोण त्रिभुज पर पढ़ी जाती है। मींस एक कोण जो है उसका समकोण होना चाहिए, मींस 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये त्रिभुज एबीसी है तो उसमें एक कोण जो है हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस पे या ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और शुरू शुरू में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल का होना 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है, और दो एंगल चाहे जितने ही न्यून कोण या एक्यूट एंगल हो हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का होना मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज का होना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम 6 रेशियो के बारे में बात कर लें। अगर ये हमारा एक एंगल थीटा है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज क्या है, 6 रेशियो क्या है वो हम देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में एक साइन थीटा होता है, हम पढ़ते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और sec थीटा और cosec थीटा। साइन, यही ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है। इसमें 9th और 10th के बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझे। ये जो साइन थीटा होता है, एक हम लोग लर्न करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स PBP अपॉन HSB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारा जो होता है, ये P और H क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, मीन्स लंब होगी। ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, या इसको हिंदी में कहेंगे कर्ण होगी। और जो शेष बचेगी वो हमारी क्या होगी, बेस, मीन्स आधार होगी। और इस एंगल थीटा के सामने हमेशा जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर और लंब कहलाएगी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स पी बाई एच, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसमें लाल बटे कक्का। हिंदी वाले बच्चों के लिए हम लोग इसको कोड बनाए लाल बटे कक्का, मीन्स ये अगर ये हमारा साइन थीटा आपको रिप्रेजेंट करेगा तो ये हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो रेशियो होगा वो कॉस थीटा के लिए है, और ये जो रेशियो है हमारा वो किसके लिए है, टेन थीटा के लिए। ऐसे इसमें भी दिस कॉस थीटा और दिस हमारा टेन थीटा, कहने का मतलब है साइन थीटा इक्वल हो जाएगा पी बाई एच, तो हिंदी के लिए हम लोग कहेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसके लिए रेस्पेक्ट में आधार बटे कर्ण। अगर हम इसको लंब को एल से रिप्रेजेंट करें, आधार को ए से, और कर्ण को अगर हम के से रिप्रेजेंट करें तो उसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। टेन
tan theta equal to क्या होगा, perpendicular upon base means P by B, या इसको हम लोग बोलेंगे लंब बटे आधार। ऐसे जस्ट ये सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, cos theta sec theta एक दूसरे के उल्टे होंगे, इसी तरह sin theta और cosec theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कहने का मतलब है कि जो sin theta हमारा होगा p by h, वो cosec theta के लिए क्या हो जाएगा, h upon p। मीन्स अगर ये l by k है तो यहाँ पे k by l हो जाएगा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, बार बार कह रहा हूं। इसी तरह sec theta मीन्स अगर हमारा cos theta इक्वल टू b by h है, या ये कहें आधार बटे कर्ण है, तो हमारा जो sec theta हो जाएगा वो हो जाएगा h upon b, या इसको हम लोग कहेंगे कर्ण बटे आधार। ऐसे ही tan theta इक्वल टू हमारा हो जाएगा p by b, या इसको हम लोग कह लें लंब बटे आधार। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इस बार मैं पुनः ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं इस बार हिंदी में थोड़ा सा डिक्टेट करूंगा, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लें कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो सम्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर मीन्स समकोण त्रिभुज पर ही सॉल्व होंगे। उसी के साथ हमें ये छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको ध्यान देना है, कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये लर्न होना चाहिए, नाइन्थ वाले बच्चों के लिए स्टार्टिंग है। और ये रेशियोज क्या बताते हैं, जैसे साइन थीटा लेंगे, थीटा अगर यही रहेगा तब साइन थीटा लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस लंब बटे आधार, और कॉट थीटा टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इनको उलट देंगे हम लोग। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सभी लोगों को लर्न होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस इन्हीं पे टिका हुआ है और इनको हम लोग अच्छी तरह से तैयार प्रिपेयर कर लेंगे। अगर हम थोड़ा सा चेंज करें इसको हम देख लें, अगर हम यहाँ पे एंगल को चेंज कर दें, कहने का मतलब है कि अगर ये थीटा को थोड़ा सा हम, जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है, अगर हम एंगल को ये थीटा ले लें, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो अपोजिट जो साइड होगी, जो सामने वाली भुजा होगी, वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी मींस लंब हो जाएगी, इसको एल लिखें, ये हमारी कर्ण ही रहेगी, हाइपोटेन्यूस या हमारी कर्ण ही रहेगी, ये हमारी जो होगी वो आधार हो जाएगी मींस बेस हो जाएगी, या इसको हम लोग कहेंगे ए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमेशा लंब को एल बोलेंगे, आधार को ए बोलेंगे और कर्ण को के बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि यहां पे साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हम उनको देख लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारी कौन सी भुजा है, कौन सा साइड है, बीसी, तो बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सी है, एसी। और यहां पे जबकि इस साइन थीटा को देखेंगे तो यहां पे परपेंडिकुलर उस रेस्पेक्ट में, इसका फिगर थोड़ा सा फिर से देख लें, ये एंगल थीटा था तो हमारी परपेंडिकुलर ये हो गई, ट्रायंगल यही था, ये हमारा बेस था और ये हमारा हाइपोटेन्यूस था, मींस ये हमारा क्या था, लंब था, और बेस को हम लोग क्या कहते, आधार कहते, ये इसको ब्रैकेट में डाल ले हिंदी मीडियम के लिए, और कर्ण को के। इसके रेस्पेक्ट में हमारा जो परपेंडिकुलर था वो क्या था, ए बी मींस AB अपॉन, और हाइपोटेन्यूस क्या थी, AC। लेकिन यहां पे देखिए जो साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर चेंज हो गया, सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगी, मींस एंगल अगर बदल जाता है तो उसके परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, कर्ण वही रहता है, कर्ण से कोई मतलब नहीं होता है, कर्ण सेम रहता है, ठीक है।
तो इसमें जो साइन थीटा होगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसका हमारा क्या हो जाएगा बीसी, तो बीसी अपॉन इसमें एसी हो जाएगा हाइपोटेनस। लेकिन इसमें हमारा जो इस एंगल में जो ट्राइंग थीटा था उसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी देख, क्योंकि अपोजिट साइड ए बी था और अपोजिट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी हो गया, चेंज हो जाता है। मीन्स अगर एंगल चेंज हुआ तो उसके परपेंडिकुलर और बेस हमारे चेंज हो जाते हैं, यह हमें ध्यान देना है। और उसका जो कर्ण होता है वो कांस्टेंट मीन्स रिमेन सेम रहता है, नहीं बदलता है। तो आज आज के लिए बच्चों इतना ही, टेरा रेशियोज के इतने ही हम लोग रिविजन करेंगे। पुनः हम लोग कल इस चैनल पर मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है आर्या ब्रिज ऑनलाइन एजुकेशन। धन्यवाद।